नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। राजस्थान के भिलवाड़ा में जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। दरअसल मंगलवार देर रात एक युवक की हत्या के बाद से जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से गुरुवार 12 मई की सुबह 6 बजे तक भिलवाड़ा में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। शहर के 5 थाना क्षेत्रों में एसटीएफ और आरएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। युवक की हत्या की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन सहित कई संगठनों के नेता जिला अस्पताल में एकत्रित हो गए। इनमें भिलवाड़ा शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक शामिल रहे। मारे गए युवक के मामा महेश खेतानी ने न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने तक वो शव नहीं उठाएंगे। विभिन्न संगठनों ने भी हत्या की निंदा की है और जिला प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। हत्या के विरोध में भाजपा ने घटना की निंदा करते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग उठाई है। उन्होंने मांग उठाई है कि जब तक परिवार की मांग के अनुसार 50 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा। इसके साथ ही भिलवाड़ा को बंद रखा जाएगा। गौरतलब है कि भिलवाड़ा के शास्त्री नगर स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड में मंगलवार देर रात कुछ लोगों ने एक युवक की हत्या चाकू घोंप कर दी। वारदात का पता चलने पर देर रात महात्मा गांधी अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। घटना को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। बताया जा रहा है कि भोपालपुरा रोड निवासी ओम प्रकाश तापड़िया के 20 साल के बेटे आदर्श तापड़िया को रात करीब 10:30 बजे कुछ युवकों ने न्यू हाउसिंग बोर्ड में ब्राह्मणी स्वीट्स की दुकान के बाहर बुलाया। जब आदर्श वहां पहुंचा तो मौके पर मौजूद लोगों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे जख्मी कर दिया। हमले के बाद युवक खून से लथपथ सड़क पर ही पड़ा रहा। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। कुछ राहगीर जब युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत सीने में चाकू लगने से हुई। मृतक का पिता ओम प्रकाश तापड़िया भिलवाड़ा का हिस्ट्री शीटर था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।